अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहट वन कराची से मैं हूँ हुसैन रज़ा। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कि हम अगर एज इन्वेस्टर हैं तो बहरिया टाउन में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें, रेजिडेंशियल में कमर्शियल में। इसके लिए हमने इन्वाइट किया आज अदनान भाई को, उनसे पूछेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड। अस्सलामुअलैकुम अदनान। वालेकुम सलाम। अदनान भाई, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मौजूदा सिचुएशन के लिहाज से मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ, एज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी? देखें, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ये चीज़ चेक करते हैं कि मार्केट की सिचुएशन किस साइड पर है, मार्केट की डायरेक्शन किस साइड पर है, मार्केट में किस चीज़ के ऊपर जो है वो वर्किंग ज़्यादा हो रही है। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर एक चीज़ ये होती है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सेकेंडली चीज़ होती है आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप 1.5-2 साल या 3 साल तक जो है वो ईज़िली चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, तो फिर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इस टाइम पर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उनके रेट्स काफ़ी हद तक जो है वो स्टिल हो चुके हैं, उनके रेट्स काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल हो चुके हैं, यानी मार्केट उनकी काफ़ी हद तक स्टेबल होने की वजह से उनके रेट्स बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर नहीं जा रहे। लेकिन अगर हम इस टाइम पर उनके अंदर परचेजिंग करते हैं, अपना प्लॉट परचेज करते हैं, तो अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप कम अज़ कम 1.5 या 2 साल या 3 साल तक अपना प्लॉट होल्ड करते हैं, तो फिर वो आपको अच्छा पे बैक दे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि 8 माह या 1 साल के बाद हमें चीज़ों को सेल करके उसका पे बैक लेना है, तो फिर आपको कमर्शियल साइड पे मूव करना चाहिए। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये है कि जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जब आप उसके अंदर कोई चीज़ बुक करवाते हैं, बुक करवाने के बाद जब किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट की डिगिंग होती है तो डिगिंग पर रेट रिवाइज़ होते हैं, आप अपनी चीज़ को वहाँ पर रीसेल कर सकते हैं। जब फर्स्ट फ्लोर बनता है या बेसमेंट बनती है या सेकंड फ्लोर बनता है, फिर रेट्स रिवाइज़ होती हैं। और फिर एक टाइम ये आता है कि जब उसके 5वें या 6ठे फ्लोर पे काम हो रहा होता है या उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, तो आपको जो है रेट फिर इंक्रीज़ हो जाते हैं और आपके रेट्स में अच्छा खासा बूम देखने को मिलता है। एक और चीज़ कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उसमें आपका जो प्रॉफिट होता है वो लमसम बढ़ रहा होता है, मिसाल के तौर पर या 3 लाख बढ़ गया या 4 लाख बढ़ गया, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है इसमें आपका पर स्क्वेयर फिट पे रेट इंक्रीज़ हो रहा होता है, यानी कि 14,000 है तो या 15 हो जाएगा या 16 हो जाएगा और फिर 17, 18, 19 तक भी चला जाता है। कमर्शियल होते भी सेल स्क्वेयर फिट के हिसाब से है ना? हाँ जी, रेट भी स्क्वेयर फिट के हिसाब से, जबकि वो दूसरी में पेमेंट जो है वो लमसम इंक्रीज़ होगी, यानी कि 3 लाख हो गया, 4 लाख इंक्रीज़ हो गया, लेकिन यहाँ पर एक ही जंप लगे तो आपका पेमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। आपके कहने का मकसद, अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट टाइम पीरियड में अच्छा पैसा अर्न कर सकूं, तो इन्वेस्टमेंट आप करें कमर्शियल में? जी जी, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इस साइड पर बैरियर टाउन, देखें मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बात करूँगा, अगर आप अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू मार्केट नहीं चलते, हम पीछे रह जाएंगे। अगर हम सिर्फ इस चीज़ को देखें ना कि इस टाइम पर मार्केट का ट्रेंड और डायरेक्शन जो है ना वो कमर्शियल साइड पर है, चूँकि मार्केट का ट्रेंड ये है तो हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हम अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फायदा होगा। जिन लोगों ने 2014, 2015, 2016 या 2017 में प्लॉट्स लिए यहाँ पर, उनको उतना पे बैक नहीं मिल पा रहा था, लेकिन 2021 में उन्होंने अच्छा खासा गेन हासिल किया। जो प्लॉट 30 लाख का था वो 60 लाख का हो गया, जो 25 का था वो 50 का हो गया। अदनान भाई, इसकी वजह ये भी हो सकती है मुल्क की जो सिचुएशन जा रही है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। देखें, रियल स्टेट मार्केट के ऊपर जो है वो हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, डॉलर का रेट भी इम्पैक्ट करता है, पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी होती है उसकी वजह से रियल स्टेट मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन बैरियर टाउन कराची की मार्केट ऐसी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट रोकी नहीं जा सकती। और अदनान भाई हमारे अक्सर कहते हैं, जो हमारे सीईओ हैं, कि प्रॉपर्टी लेने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल आज के मुकाबले में हमेशा महंगा होगा। अच्छा, कुछ हमारे क्लाइंट्स बात करते हैं कि अगर हम कमर्शियल में करना चाहें तो हमारे पास PPL के पास कौन से बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें हम इन्वेस्ट करके विद इन 6 मंथ या 8 मंथ या 1 ईयर के अंदर? जैस्मिन मॉल बहुत अच्छा ऑप्शन है, डॉल्चे मॉल बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसी तरह SJ आइकॉन है,
ठीक है, और कमर्शियल ऑफिसेज और मैं शॉप्स का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसी तरह जो शोरूम्स हैं स्पेशल किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट पे, जो ग्राउंड के शोरूम्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसी तरह लिबर्टी पार्क रेजिडेंशिया है, उसकी ये भी वजह है कि लिबर्टी पार्क रेजिडेंशिया में आउट फाइल और जो ब्लॉक फाइल्स हैं वो 100% मर्जिंग ऑप्शन मौजूद है। जी जी, मतलब मर्जिंग करवा सकते हैं। जी जी, और इसी तरह जो रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है DX ट्रेड टावर के नाम से, उसकी भी यही अचार में, उसकी भी यही अट्रैक्शन है कि 6% रेंटल डिस्काउंट है आपको फुल पेमेंट के ऊपर। और उसकी अगली इंट्रैक्टिव चीज़ ये है कि आपके अगर बहरिया के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है ऑपरेशनल और जो एक्टिव प्रॉपर्टी है, आप अपना प्लॉट यहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हैं। मतलब आपके कहने का मकसद है कि आपका प्लॉट है या कोई विला वगैरह आपका प्लॉट है, प्लॉट, विला, अपार्टमेंट, शॉप, ऑफिसेज, हाँ जी, वो अपनी फाइल, यहाँ पे मर्ज का लफ्ज़ नहीं, एडजस्ट का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। मर्ज तो वो होता है कि आप बाहर वाली फाइल को लेके आएँ, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी अगर आप इस प्रोजेक्ट में एडजस्ट करवा दें तो वो भी ऑप्शन है। अच्छा, इसमें ऑप्शन ये मौजूद है कि अगर आप लम सम पेमेंट करते हैं तो आपको रेंट स्टार्ट हो जाएगा, रेंट स्टार्ट हो जाएगा 6% जो है आपका मंथली रेंट मिलना। किसमें? DX ट्रेड टावर में। DX ट्रेड टावर के अंदर मीन जिना के ऊपर ये प्रोजेक्ट में। सबसे छोटा ऑफिस किसमें? सबसे छोटा ऑफिस जो 526 स्क्वायर फीट का है, सबसे बड़ा ऑफिस जो है 1075। अच्छा, इस फ्लोर प्लान पे बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके 526 स्क्वायर फीट जो ऑफिस है, इसकी ऑलमोस्ट मंथली जो रेंटल इनकम कितनी? मंथली तकरीबन इसकी 32,000 से 35,000 के दरमियान जो है वो इसकी रेंट। मतलब आप अगर आप लम सम पेमेंट करते हैं इस पर तो आपको मंथली 32,000 से 35,000 के अराउंड बड़ा आपका चलेगा। मतलब ये अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप जो है लोकेशन और सराउंडिंग बहुत खूबसूरत बनती है। GM ट्रेड टावर है, डोमिनियन बिजनेस सेंटर बन है, ऑपरेशनल हो गए दोनों GM, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो ऑपरेशनल है। अच्छा, मैंने आज हमारे साथ मौजूद थे अदनान भाई, हमने काफ़ी कोशिश की कि आपके जो क्यूरीज हैं, आपके क्वेश्चन हैं, उनके बारे में क्लियर किया जाए। बाकी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।